तो ये टॉपिक है डेप्थ एंड क्लियरेंस जब हम लेइंग करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स। तो पहला आता है क्लियरेंस बिटवीन द केबल लाइन एंड द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। तो इसमें जो क्लियरेंस होती है केबल और फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग के बीच में वो एटलीस्ट 0.6 मीटर तक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है क्लियरेंस फ्रॉम वाटर पाइपलाइन। इसमें जो केबल है हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए पाइपलाइंस के, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पैरेलल होनी चाहिए पाइपलाइंस के। और उसमें जो क्लियरेंस होनी है वो 0.5 मीटर होनी चाहिए फ्रॉम ऑल पाइपलाइंस। नेक्स्ट आता है हमारा क्लियरेंस फ्रॉम क्रॉस पाइपलाइंस। इसके अंदर जो हमारी मिनिमम क्लियरेंस होती है केबल लाइंस और गैस पाइपलाइंस और पेट्रोलियम ऑयल के बीच में वो एटलीस्ट 1 मीटर की होनी चाहिए। फोर्थ हमारा क्लियरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रीफाइड रेलवेज। इसके अंदर जब भी हम क्रॉस करते हैं इलेक्ट्रीफाइड रेलवेज उसमें हमारी दो चीज़ होती है, केबल टू रेल्स एटलीस्ट 3 मीटर होना चाहिए फ्रॉम ट्रेन लाइंस और 10 मीटर होने चाहिए इलेक्ट्रीफाइड रेलवे से। फिर लास्ट क्लियरेंस फ्रॉम सीवेज पाइप। इसमें जो क्लियरेंस होती है अंडरग्राउंड केबल और सीवेज पाइप के बीच में वो हमारी 1.25 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।